जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और जीएन भारत की खासियत ये है कि एक खबर के पीछे अगर वो लगता है तो उसके तह तक जाता है। हमने आपको कल दिखाया था कैसे प्रोफेसर शिक्षक यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ उनकी मांगे हैं जिनको पूरी करने के लिए वो वहाँ इस बरसात के मौसम में भी टेंट गाड़ कर बैठे हुए। जो प्रोफेसर को अभी कॉलेज में होना चाहिए था, जो प्रोफेसर को अभी बच्चों को पढ़ाते रहना चाहिए था, लेकिन आज वो प्रोफेसर सड़क पर बैठे हैं। शर्मनाक बात तो है ही। हम कुछ ऐसी महिला, हमने कल भी आपको इस मामले में एक वीडियो दिखाया था, लेकिन इन शिक्षकों का कहना है, इन प्रोफेसरों का खास तौर पर जीएन भारत से अपील थी कि वो हमारे दुख को थोड़ा और दिखाए, क्योंकि हम कुछ और कहना चाहते हैं, हमारी कुछ मांगे हैं जो हम चाहते हैं हमारे माध्यम से वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम बात करेंगे ऐसी कुछ महिला। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है माधुरी कुमारी दास, मैं रांची यूनिवर्सिटी से जंतु विज्ञान की प्राध्यापिका हूँ। मैडम कल तो हम लोगों ने आके सारे मामला जाना कि आप लोगों की मांगे क्या है क्या नहीं है। हम व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहते हैं कि जब इस तरह की हालत होती है, जो प्रोफेसर को अभी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए अभी वो सड़क पर है, इस बयान पर क्या है? मैं एक चीज़ बहुत फील करके आप लोग को बोल रही हूँ कि एक इंसान अपने जीवन का एक चौथाई हिस्सा पढ़ाई में लगाता है। 20 से 25 साल हम लोगों ने नर्सरी से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 25 साल का पढ़ाई होता है जो हम लोग करके यहाँ तक पहुँचते हैं। मैं पर्सनली मैम बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं रांची यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अगर मेरा हाल ये है कि मैं सड़कों पर आ रही हूँ। आप गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर है जी, ये मेरी मैम है, इन्होंने मुझे पढ़ाया। और मेरी मतलब ये सरकार की या फिर बोल सकते हैं परिस्थिति की दुर्भाग्य है ये कि हमको अपनी मैम के साथ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इससे खराब आप सोच सकती है मेरे लिए कितना दर्द का बात है कि आज मेरी मैम जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है आज वो भी सड़क पे है मेरे साथ। आप ये सोच के देखिए। तो मैं जब मेरा भविष्य अंधकार में, जब मैं गोल्ड मेडलिस्ट होकर अंधकार में अपना जीवन महसूस कर रही हूँ, तो अभी जो कोविड बैच के बच्चे जो निकले हैं, कोविड के समय के बैच के बच्चे निकले हैं, उनको मैं क्या बोलूँ कि बच्चे तुम इस लाइन में आओ, कि बच्चे तुम इस लाइन में आओ? मैं तो नहीं बोल पाऊँगी, या फिर मैं उससे झूठ बोल रही हूँ कि बच्चे तुम इधर आओ। वो लोग पूछते हैं मैम करियर के लिए गाइड कीजिए, हम लोग भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो अंदर तो दिल में रहता है कि बच्चे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम लोग कहाँ तक कर पाओगे हम नहीं जानते, जब हम नहीं कर पा रहे तो तुम लोग क्या कर पाओगे, सोचने वाली बात नहीं है मैम। मैम गोल्ड, जिस दिन गोल्ड आप मेडल जो मिला होगा, बहुत सपने होंगे, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र को आप कैसे देखती? मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हाल ही में बनी हमारी देश की प्रेसिडेंट, उन्होंने के हाथ से ही मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो मेरे लिए वो दिन इतनी खुशी का दिन था, मेरे पेरेंट्स इतने खुश थे उस दिन कि मेरी बेटी को आज गोल्ड मेडल मिल रहा है, वो गले पे गोल्ड मेडल लटका के आई है। मैं जब घर गई थी तो मैं अपने पापा के गले में वो गोल्ड मेडल डाली थी। विडम्बना है मैम कि मेरे पापा उस दिन बहुत खुश हुए थे। और आज मेरे पापा देखते हैं कि मेरी बेटी धरना करने जा रही है, नौकरी नहीं है उसके पास, सही से मानदे नहीं उसके पास, तो क्या करें मैम? नहीं, रियलिटी है, आने दीजिए। मैम हम ये जानना चाहते हैं कि आपको लगता है ये जो सरकार की जो आपस में पॉलिटिक्स है, ये सरकार कुछ नियुक्ति करती हो, ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स में आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो घिस रहा है, वो पिस रहा है, पॉलिटिक्सबाजी हो रही शिक्षा में? ये तो साफ तौर पर है मैडम कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको शिक्षा पहले दुरुस्त करना होगा, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, प्राइमरी से हो सेकेंडरी हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी, चाहे कॉलेजेस में हो। अगर पढ़ाई नहीं है मैडम तो आप डरे रहेंगे। ज्ञान से आपको नॉलेज है, आज हम लोग को नॉलेज है, हम लोग जान रहे हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है रास्ते में प्रदर्शन करना, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। कई लोगों को अगर जानकारी नहीं होती है वो लोग डरते हैं यहाँ पर आने पर, माइक पर बोलने से डरेंगे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। एजुकेशन को आगे बढ़ाना, ये सबसे एक मैं बात बोलूँगी, सभी लोग कहते हैं ना, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, वही सरकार सही है ना जो किसी राज्य का शिक्षा स्वास्थ्य को सही करता है। ये बेसिक चीज़ अगर सही हो जाए तो वो स्टेट बहुत राइज करेगा। मैम कल नवीन जायसवाल जी आए थे, सीपी सिंह जी आए थे, लेकिन ये सच है कि 2.5 साल पहले उन्हीं की सरकार थी, तो जो आश्वासन वो देकर गए हैं, वो चाहते थे इतना फिक्र होता तो वही उस समय आप लोगों को परमानेंट किए। बिल्कुल, ये बात तो मैं जान रही हूँ मैम, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं देख रहे हैं। आपको मैं बता दूँ, मैं कुछ साल पहले स्टूडेंट ही थी, मैं सिर्फ आई एम ओनली 26 ईयर्स ओल्ड, मैं रांची की सबसे छोटी उम्र की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो मैं ये जान रही हूँ, 26 ईयर्स ओल्ड, तो मैं ये जान रही हूँ कि
मैंने भी पॉलिटिक्स देखना शुरू किया है, कब से देखना शुरू किया है, जब से इलेक्शन बहुत आम आदमी पार्टी का एंट्री हुआ था उस समय से मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट देखने को मिला था। उस समय से जब मैं देखते आ रही हूँ तो किसी भी गवर्नमेंट का एजुकेशन पे ध्यान क्यों नहीं जाता, मुझे समझ में नहीं आता है। जबकि मेन चीज़ होना चाहिए एजुकेशन। आप देखिए, एजुकेशन नहीं है उस इंसान को पशु के तुल्य माना जाता है, समझ रहे हैं। तो एजुकेशन पे अगर ध्यान नहीं दिया जाता है, किसी सरकार की देशभक्ति तभी साबित होगी जब वो एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करेंगे, मेरा बस यही। तो आपने साफ तौर पर कहते हुए सुना है कि गोल्ड मेडलिस्ट बहुत बड़ी बात है, कि रांची यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट और यहाँ पे आज सड़क पर बैठी है, धरने पर बैठी है, अपने आप में ये शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि जो गोल्ड मेडलिस्ट को कहीं ऊपर, हमेशा लोग कहते कि माँ बाप प्रोत्साहन करते बच्चे को कि आप पढ़िए लिखिए, आप टॉप करिए, तब आपका भविष्य जो है वो बहुत उज्ज्वल होगा। लेकिन यहाँ तो भविष्य उज्ज्वल गए, यहाँ तो धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है गोल्ड मेडल लाकर। कहीं ना कहीं सरकार को तुरंत ही इस पर संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है, वरना बहुत देर हो जाएगी। वरना अगर ये जनता अगर सरकार का संज्ञान लेने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी 2024 में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।